और सभी अभ्यर्थी अब आ जाए, समय आ गया है, जो आएगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा, समय आ गया है। रोने दे आज हमको तो आके सजाने दे, रोने दे आज हमको तो आके सजाने दे, 22,000 सीट दे दे योगी जी और हमें मुक्त हो जाने दे। ऐ जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा। देख सकते हैं कितनी बारिश हो रही है, देख सकते हैं आप लोग कितनी बारिश हो रही है, इस बारिश को देख रहे हैं कितना भीगा हुआ। हम पूरी रात भर जागेंगे, कहीं ना कहीं दर्द सरकार तक पहुंचेगा जरूर वीडियो के माध्यम से। देखने वाले इतना शेयर करें इस वीडियो को, देखने वाले इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यूपी के हर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर होना चाहिए, ताकि यूपी की जनता को भी इस दुख का एहसास होना चाहिए, दर्द होना चाहिए। पानी है यहाँ
का पूरा पानी ही पानी है, मगर फिर भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जितने भी साथी हैं आप लोग सभी को देख सकते हैं, सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं, कोई भी यहाँ बैठा नहीं है। और देख सकते हैं आप, बारिश हो रही है, ऐसे ही जाते आज लग रहा है आप लोगों के अंदर थोड़ी सी शायद शर्म नहीं है कि आप हम लोगों का हाथ खाकर संख्या बल को मजबूती दें और जल्दी से जल्दी सीटें भरे, लेकिन आप लोग आना नहीं चाहते। आज सोचते हैं बस 1000 अभ्यर्थी पहन पहुँच गए, 1000 से नहीं होता काम, काम होता है कम से कम 5000 अभ्यर्थी होने चाहिए। अगर 22000 है तो कम से कम 25% होने चाहिए, लेकिन नहीं। और वो बैठे रहिए, टीवी देखिए, एसी में सोइए और बारिश का मजा लीजिए। हम लोग भीगते हैं, अभी भी समय है, कल सुबह तक कभी लोग पहुँच जाए, 10 बजे तक हमारा लोग पहुँचे, 11 बजे तक। जितनी ज़्यादा संख्या बन होगी उतना धरना मजबूत होगा, उतनी जीत सुनिश्चित होगी। जीतने के लिए बस एक टाइम वार ही काफ़ी होता है। मैं साफ शब्दों में कहता हूँ, जो आएगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। अभी भी समय है, अगर नहीं घर से निकले फिर से कहना चाहता हूँ, विवेक मर सकता है लेकिन विवेक विचार से राजस्व कभी नहीं मरेगा। मैं आपको सच्चाई बता दे रहा हूँ, जब तक मैं हूँ खड़ा रहूँगा। और मेरे साथ आलोक सिंह, अरविंद सिकरवार, शिखा पाल दीदी, अभय श्रीवास्तव, मलकीर सिंह, अरविंद मिश्रा जैसे लोग जब तक हैं हम डटे रहेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम आखिरी बाजी तक लड़ते रहेंगे। और आखिरी बाजी यही है 1,37,000 समस्त पदों को भरा जाए और सुप्रीम कोर्ट के संघर्ष के साथियों नमस्कार। मैं विजेंद्र कुमार मऊ से, सबसे पहले मैं अभी भी उन साथियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि जो भी भाई अभी घर बैठे हैं वो निकल लें लखनऊ को, क्योंकि अब मंजिल बहुत करीब है। लगभग 80% हम लोगों का काम हो चुका है और अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना, तो बाद में बहुत पछताएंगे। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि घर से निकलिए। और लखनऊ में इको गार्डन में धरना चल रहा है और ये अनवरत चलता रहेगा जब तक कि 22,000 सीटें मिल नहीं जाएगी, और मंजिल अब बहुत करीब है, क्योंकि हम लोग आज 35 से 36 दिन हो गया लखनऊ में, बारिश में भीग भीग करके हम लोग धरने को सफल बना रहे हैं। यार हमारे सबसे देखिए, हमारे यहाँ के जो लीडर हैं, हमारे जितने बड़े भैया, हमारे करुणा शंकर जी हो गए, विवेक द्विवेदी हो गए, तमाम हमारे जैसे मऊ से हमारे SC/ST लीगल टीम के जो है डिसूजा भैया हैं, सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये सिर्फ अपने लिए नहीं, आप सबको, आप सबकी भला भी है इसमें, जो जिसके लिए ये चारे पांच लोग जितने लोग हैं संघर्ष कर रहे हैं। अतः आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग आइए, खुद के लिए, अपनी एक सीट के लिए आइए। यार हाथ से नौकरी निकल जाएगी क्योंकि एकदम करीब है। और आगे आप लोग जो सोच रहे हैं कि वैकेंसी आएगी तो भूल जाएं, वैकेंसी तो आने वाली है नहीं, नवंबर दिसंबर तक आचार संहिता लग जाएगा, गवर्नमेंट का जो कार्यकाल है समाप्त हो जाएगा, तो फिर आप भाई मुंह बनाओगे घर बैठ करके। इसलिए हम जितने जनरल भाई और SC भाई हैं सबसे विनम्र निवेदन करते हैं, घर से निकलिए यार। आप 90-97 पास यार 22,000 लोग हैं, बताइए 22,000 लोगों का परिवार जो है कुछ घरों में खुशहाली आएगी, बताइए। आप लोग घर से निकल नहीं रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। जो एकदम असहाय है भाई, नहीं आ सके तो कम से कम आर्थिक सहयोग कर दिया करिए, जिससे कि यहाँ के जितने हमारे लीडर हैं, जितने आर्थिक रूप से तंग और खाने पीने की असुविधा हो रही है जो यहाँ लखनऊ आ रहे हैं, उनको उनकी भला की जाए। बाकी क्या बोलूँ यार, हम लोग थक चुके हैं, बुलाया जा रहा है हज़ारों की संख्या, आप आ रहे हैं लोग 10 से 5, 15, 20, बताइए। कल महाधरना का प्लानिंग किया गया था, जाना चाहिए हजारों की संख्या में, यहाँ यार और मात्र 50 लोग आए थे, बताइए। TGT का मेरा भी पेपर है यार, बताइए, TGT सबका पेपर है, लेकिन आगे जो क्या बोलते हैं, थाली रखी हुई है, सिर्फ खाना है, बस थोड़ा सा मेहनत करना है। बस भाइयों अब आप लोग घर से निकलिए,
आखिरी रिक्वेस्ट है, धन्यवाद। इसके बाद इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे।